नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। दोस्तों आज हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में, नावरा सेक के बारे में सबसे बड़ी खबर है, लेकिन ये खबर थोड़ी दुखी है। दोस्तों ये खबर कहते हुए मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि हीरा गोल्ड आपा को किसी शरारती तत्व की वजह से, किसी अपने ही दुश्मन की वजह से जो है जमानत मिलनी थी उस पर रोक लगा दी गई है, और साथ ही में प्रॉपर्टी जब्त करने का जो है सीसीस ने ऑर्डर भी दिया है। चलिए दोस्तों इस खबर को डिटेल में बताने वाला हूं, उससे पहले आप सभी से गुजारिश करता हूं कि दोस्तों जो हीरा गोल्ड आपा में विश्वास रखते हैं, जो हीरा गोल्ड के साथ बने हुए हैं, वो लोग अपना विश्वास मत टूटने दीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सीसीएस की जो ताजा रिपोर्ट है उसको आप देख सकते हैं। टाइम ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किया है कि सीसीएस टू अटैच प्रॉपर्टी ऑफ नावेरा हीरा ग्रुप, यानी सेंट्रल क्राइम स्टेशन सीसीएस ने ऑर्डर दिया है कि हीरा ग्रुप के सीएमडी या प्रमोटर नावेरा शेख की जो प्रॉपर्टी है महाराष्ट्र के अंदर उसको अटैच कर लिया जाए, और जो दिल्ली एंड महाराष्ट्र केरला के अंदर सभी डिस्ट्रिक्टों के अंदर पूरे इंडिया के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको जो अटैच करने का ऑर्डर दिया है, और अटैच करने के बाद जो प्रॉपर्टी की जो पूरी कीमत मिलती है यानी 5,000 करोड़ रुपए पूरे कलेक्टेड करके जो है 1.7 लाख डिपोजिटरों को जो है उनकी मनी उनको वापिस की जाएगी, ये सीसीएस का फैसला है। सीसीएस के फैसले के बाद, सेंट्रल क्राइम स्टेशन के इस ऑफिशियल फैसले के बाद नावेरा आपा शेख ने कहा है कि वो पैसा तो वो खुद सभी डिस्ट्रीब्यूटर को देना चाहती थी, लेकिन कोई शरारती तत्व की वजह से ये सब नहीं हो पाया, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा कर रही है प्रॉपर्टी जब्त करके हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को, हमारे डिपोजिटरों को पैसा देना चाहती है तो इसमें उनको कोई एतराज नहीं है। तो गाइज ये थी आज की सबसे बड़ी खबर जो हीरा गोल्ड को लेके काफी बड़ी अफवाहें उड़ाई जा रही है। दोस्तों जैसे कि आपको बता दूं कि दोस्तों कुछ ही दिन पहले हीरा गोल्ड को जमानत मिलने के ऑर्डर हुए थे। हीरा गोल्ड को जमानत मिलने वाली थी क्योंकि हीरा गोल्ड ने सभी को पैसा वापस देने का वादा किया था, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने या कुछ खास दुश्मनों ने जो हीरा गोल्ड पे काफी लांछन लगाया, उन पे केस किया, उन पे केस करवा के सीसीएस के हवाले से उनकी प्रॉपर्टी जब्त करवा दी, और प्रॉपर्टी जब्त करवा के जो गवर्नमेंट चाहती है कि प्रॉपर्टी जो है उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम करके जो सभी डिपोजिटर को पैसा दिया जाए। लेकिन दोस्तों सबसे टोटल मिला के तो बात यही है कि चाहे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिपोजिट करके आप लोगों का पैसा दे या नावेरा शेख अपने आप पैसा दे, लेकिन आप लोगों का पैसा जो आप लोगों तक जरूर मिलेगा। ये आज की सबसे बड़ी खबर थी, और सबसे बड़ी खबर मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा जो हीरा गोल्ड, नावेरा शेख और आपा में विश्वास रखते हैं कि आपा में अपना विश्वास मत टूटने दीजिए। आपा हर डिपोजिटर के साथ है, आपा को जो प्रॉपर्टी जब्त करने पे कोई एतराज नहीं है। आपा ने कहा कि अगर गवर्नमेंट उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके पैसा देना चाहती है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। आपा ने लाखों डिस्ट्रीब्यूटर से यही कहा कि वो लाखों डिस्ट्रीब्यूटर ने जान दे सकती है, ये तो छोटी सी चीज है, छोटी सी बात है कि दुश्मन उनकी जमानत पे रोक लगा रहे हैं। अगर उन्हें जमानत मिल जाती तो खुद ही सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को वापस देती। अगर उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है, जमानत पे रोक लगा दी गई है, तो कोई चिंता नहीं है, गवर्नमेंट भी पैसा उनको दे देगी। तो एक ही बात है कि चाहे गवर्नमेंट पैसा दे चाहे मैं खुद पैसा दे, लेकिन सभी डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ मैंने अन्याय नहीं होने दिया है, और सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को जो पैसा जरूर मिलेगा। और सभी डिस्ट्रीब्यूटर जो है पैसा पाने के बाद हीरा गोल्ड आपा को दुआ दीजिए कि हीरा गोल्ड आपा को जो राहत मिल पाए, हीरा गोल्ड आपा को जो है जेल से जो है बहुत जल्द बाहर आ पाए और आप लोगों के समक्ष जो है नए ऐलान कभी कर पाए। तो गाइज कोई अन्य क्वेरी, कोई अन्य कमेंट हो तो आप हमारी इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं पब्लिक टुडे स्वागता आपसे गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को लाइक के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।